हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे कोई मैसेज इसको कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। सो पाइसेस, पाइसेस पार्टनर, पाइसेस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, अंडरनीथ में आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ओके, एम्प्रेस एंड एट ऑफ सोर्ड्स। सो पाइसेस, आपके जो आपके पार्टनर की लाइफ में पैशनेट न्यू बिगनिंग और सब कुछ नया स्टार्ट है, स्टेबिलिटी है। लव और पैशन के हवाले से एक नया स्टार्ट है, क्योंकि हो सकता है उनको एक पार्टनर ऐसा मिल गया हो अपनी लाइफ में जो जिसको वो एडमायर कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर वो आप हो सकते हैं, कोई टॉरस पर्सन भी हो सकता है, कोई लिब्रा भी हो सकता है। सो या फिर जस्ट ये एक एडमायरेशन है आपके लिए कि वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर समझते हैं अपने लिए, और या फिर आपकी पार्टनर की लाइफ में उनकी मदर फिगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस वक्त। और यहाँ पे एक नई नई बिगनिंग शुरू हो रही है, स्टेबल न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में। या तो वो बहुत ज़्यादा वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्टेबल अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरीक़ों से इन लव रिलेशनशिप में स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन है या कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान, तो वो जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं रिलेशनशिप में उनकी तरफ से भी हो सकती हैं, तो उसको दोबारा से अमेंड करने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें। बट यहाँ पर जो चैलेंज है वो ये है कि जो चीज़ वो जो एफ़र्ट वो डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या तो आपको अपनी लाइफ में हासिल करने के लिए वो एफ़र्ट डाल रहे हैं, और क्योंकि आप वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या फिर ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है और आप लोग की लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, हो सकता है प्रेगनेंसी न्यूज़ हो, डिलीवरी हो, तो ये आपके पार्टनर के लिए एक नई शुरुआत है जिसके लिए हो सकता है न्यू चैलेंजेस हैं। कि अगर जो लोग मैरिड हैं उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी न्यूज़ है, एक और बेबी की आमद की वजह से आपके पार्टनर के लिए जो है वो फाइनेंसेस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो फाइनेंस को मैनेज करें, बहुत वर्क हार्ड करें ताकि फाइनेंसेस जो है वो बैलेंस रहें। बट यहाँ पे चैलेंज है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही, वो जितनी कोशिश करें, जितना अमेंड करने की कोशिश करें, जितनी वो मेहनत करें, उससे उस तरीके से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये एक चैलेंज है। और जिन लोगों के रिलेशनशिप में पैचअप चाह रहा है आपका पार्टनर, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट डाल रहे हैं और वो उनको वो रिज़ल्ट इस वक्त नहीं मिल रहा जो वो चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी वो बहुत स्लो कमिंग है, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, वो अपोलॉजी करना चाहते हैं, न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस वक्त। बट वो स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा स्लो कमिंग है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पर भी वो नहीं मिली, तो हो सकता है वो इमोशनली डिटैच्ड हो गए हों, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए हों अपनी एफर्ट से, अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं और इमोशनली भी थोड़ा ड्रेन हो सकते हैं। बट जो भी वो सोच रहे हैं वो एक एग्जैजरेशन है, लाइक उन्होंने अपने माइंड में खुद ही सोचा हुआ है, खुद ही बनाया हुआ है, और खुद ही से जो सोच रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं हो सकता, मैं जो भी कर लूँ इस रिलेशनशिप में बेहतरी नहीं आएगी,
या फिर जो लोग अपने फाइनेंसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ मेरे फाइनेंसेस जो है वहीं के वहीं रहेंगे, तो ये आपकी सोच है आपके पार्टनर की। उनको इस नेगेटिविटी से निकलना होगा। जब अगर वो इस नेगेटिविटी से निकलेंगे तो उनके लिए एक न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली स्टेबिलिटी भी है, सब कुछ उस तरीके से हो सकता है जैसा वो चाहते हैं। बट उनको स्टेबिलिटी स्लो कमिंग है, उन थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे, कुछ बदलना चाह रहे, कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो चेंज जो है वो बहुत अभी नहीं आएगा, थोड़ा अरसे टाइम बाद आएगा। चेंज आना शुरू हो चुका है बट स्लो कमिंग है, तो वो उनको लगता है कि नहीं हो रहा बट वो हो रहा है। तो ये उनकी सोच है, उनको नेगेटिविटी से निकलना है कि वो समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं सही हो रहा, तो हो रहा है सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो उनको पेशेंस रहना होगा। अगर रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो रिलेशनशिप को अगर वो बेस्ट बनाना चाह रहे हैं, अगर किसी नए पार्टनर को अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हैं जो कि आप हैं, आपको बहुत हद तक एडमायर करते हैं, अगर वो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत हद तक मेहनत कर रहे हैं, तो आप मतलब आ सकती हैं, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप, बट इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो उनको वो नेगेटिविटी में है, इस वजह से वो चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे। सो स्पाइसेस ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।